शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बेटमा में मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग मंत्रालय के अनुसार महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्रधान अध्यापक के द्वारा माँ सरस्वती एवं महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सरस्वती वंदना छात्रा रचना के द्वारा प्रस्तुति की गई। इसके पश्चात प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक श्री द्वारा छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एक स्वच्छता जागरूकता की रैली नगर में निकाली गई। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बताइए, आज आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम यहाँ पर स्वच्छ संरक्षण के लिए आए हैं। हम स्वच्छ संरक्षण के लिए आए हैं और आइडियल पब्लिक की ओर से हमें स्वच्छ संरक्षण का अवसर मिला है। और हमारे श्रीमान जी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना था कि हमारा जो देश है वो स्वच्छ बने, इसीलिए हम यहाँ पर स्वच्छ भारत के लिए आए हैं। और यहाँ पर स्वच्छता के अभियान में सहयोग देना चाहते हैं और सभी देशवासियों से निवेदन है कि सब स्वच्छ संरक्षण यहाँ पर स्वच्छता अभियान में सहयोग करें और स्वच्छ शासन के आदेशानुसार आज शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बेटमा में 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर शाला में गांधी जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम शाला में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, उसके पश्चात गांधी जी के भजन को शाला में छात्राओं को सुनाया गया और साथ ही आज प्लास्टिक वन टू यूज शुभारम्भ किया गया। और साथ ही आज नगर में स्वच्छता के संबंध में गांधी जी के आदर्शों के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को याद करते हुए एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। आज विद्यालय में भी एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि पॉलीथीन व प्लास्टिक से बनी मैं और मेरे परिवार के सदस्य कभी भी किसी भी प्रकार प्लास्टिक के सामान पॉलीथीन आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।